हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज का वीडियो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उन्होंने मुझसे बोला है कमेंट में भी, और बहुत सारे लोगों ने मेल्स भी किए हैं कि आप बताइए कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कौन सी बुक्स बेटर हैं, क्या उन्हें बुक्स पढ़नी चाहिए और मेरे बुक शेल्फ पे कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो आज मैं ऐसी 5 बेस्ट फिजियोथेरेपी बुक्स आपको बताऊंगा जो हमें हर फिजियोथेरेपिस्ट को, हर ऑर्थोपेडिशियन को भी ये पढ़नी चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट को बेसिकली इसीलिए क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेशन जो है वो उनका होता है। तो ये आज मैं 5 पे बताऊंगा, पर मुझे पता है कि सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, तो मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो बहुत ही ज़रूरी बुक्स हैं जो हमारे हर फिजियोथेरेपी सेंटर में उनके टेबल पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास होनी चाहिए, असेसमेंट से लेके ट्रीटमेंट वाली, और साथ में मैं अब इसके पार्ट्स बनाऊंगा कि सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कौन सी बुक होनी चाहिए, उनके सिलेबस को अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और इसी तरह थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये मैं आपको सारा पार्ट वाइज बताऊँगा, पर हम चलते हैं अब फर्स्ट बुक की तरफ जो हमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का वो हमारा फिजिकल असेसमेंट पर बेस्ड होता है। हम ज़्यादा जो है फिजिकली ही पेशेंट को जज करते हैं और अपना डायग्नोस करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक आपके पास होनी चाहिए वो है डेविड जे मैगी की हमारी फिजिकल असेसमेंट, ठीक है, ऑर्थोपेडिक फिजिकल असेसमेंट। ये जो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो मास्टर्स इन ऑर्थो या स्पोर्ट्स या मतलब जो भी हमने जॉइंट्स और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो डील हमेशा ही करते हैं, तो उनके लिए ये बुक सबसे बेनिफिशियल है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एडिशन हैं, जो भी बुक मैं आपको बताता जाता हूँ उसके नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अमेजोन में ये अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप उसको लिंक पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मैं आपको लिंक साथ साथ देता जाऊँगा। आजकल तो ई बुक्स का भी ज़माना है, तो वहाँ पर मैंशन किया होता है कि किंडल में या ई बुक में भी ये बुक अवेलेबल है, तो आप देखिए उसमें कौन सा एडिशन है। इसके सारे एडिशन बहुत अच्छे हैं, और जो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी बुक में से देख के या पढ़ते हैं या आप कौन सी बुक ज़्यादा रेफ़र करते हैं, आप अपनी नॉलेज के बारे में बताइए, तो आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मैं खुद पढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट ये फिजिकल असेसमेंट तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं और आज भी हम इसको पढ़ते रहते हैं। तो ये डेविड जे मैगी की फिजिकल असेसमेंट की, ऑर्थोपेडिक फिजिकल असेसमेंट की बुक है। अब सेकंड जो बुक है वो मेरी फेवरेट बुक है और मेरा सब्जेक्ट भी फेवरेट है। सेकंड बुक है हमारी सिंथिया नॉर्किंस की, हमारी पामेला की और सिंथिया नॉर्किंस की, जो हमारी बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यही एक सब्जेक्ट है जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी से हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ इतनी डिटेल में बताई हुई है। तो सिंथिया नॉर्किंग मैं आज भी रोज़ पढ़ता हूँ, फिर जाके मुझे कोई चीज़ समझ आती है इसको बार बार पढ़ने से, और इतनी अच्छी बुक है कि इसका आप एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स कैसे मूव करते हैं। तो बेस्ट बुक का अगर कोई कहे ना कोई मुझे बेस्ट बुक, तो मैं इसको बेस्ट बुक और बेस्ट सब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स, क्योंकि बायोमैकेनिक्स फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा कोई नहीं पढ़ता। तो ये बहुत ज़रूरी बुक है, ये भी आप ज़रूर देख लीजिए, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ कि वहाँ जाके आप अमेजोन में सारे लिंक्स बुक के जैसे जैसे मैं सीरियल ऑर्डर में बता रहा हूँ वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा, उसमें देता जाऊँगा। तो ये बुक भी बहुत ज़रूरी बुक है, बहुत हेल्पफुल बुक है आप सबके लिए। तो थर्ड नंबर पर आती है हमारी सुलेमन और थॉमस श्मिट्स, और ये हमारी है फिजिकल रिहेबिलिटेशन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। ये भी फिजिकल, ये रिहेबिलिटेशन, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरो वाले जो मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी होते हैं वो ये बुक ज़रूर पढ़ते हैं। अब मैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि बहुत वास्ट हमारा टॉपिक है, बहुत वास्ट इसके फील्ड है, आगे जाके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आता है, ऑर्थोपेडिक आता है, बाकी हमारा न्यूरोलॉजी आता है, उसके में कार्डियो आता है, तो बहुत सारी बुक्स हैं। हम बेसिकली मैं वो वाली बुक्स बता रहा हूँ जो क्लिनिकली हर फिजियोथेरेपिस्ट को जो यूज़फुल है। बाकी पेशेंट तो आपको जिस तरह के आते हैं आप उस तरह की बुक्स तो पढ़ते ही हैं, पर हमारे ये बेसिक बुक्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये भी फिजिकल रिहेबिलिटेशन, इसको सुलेमन बुक बोलते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और फोर्थ बुक आती है हमारी ब्रॉड्समैन जो है वो ऑर्थोपेडिक आपकी ट्रीटमेंट के लिए, उसमें फ्रैक्चर्स आते हैं, कैसे ट्रीट करना है, ACL इंजरीज, सब कुछ उसमें। मेरी 2 वॉल्यूम्स हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, जब हम पढ़ते थे तो हमने उसको पूरा उसका रखा हुआ था, पर काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं अब, उसके एडिशन नए आ गए हैं,
तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ब्रॉड्समैन जो है ये हमारा ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया हुआ है कि उसमें डे वाइज वीक वाइज सारी फिजियोथेरेपी समझाई हुई है, तो मैं आपको वो बताता जाऊँगा। अब ये ब्रॉड्समैन इससे जो कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वालों को भी जो ट्रीटमेंट वाली बुक्स होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि उनको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरी बात क्लियरली समझ लीजिए कि जो फिजियोथेरेपिस्ट बन चुके हैं या अपना जैसे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं उनके लिए ज़रूरी बुक्स हैं, क्योंकि जो बेसिक अगर वो शुरू कर देंगे ऐसी बुक्स देख के, अगर मैं जैसे मैंने बताया अगर वो बेसिक वाले जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए उनको पहले बेसिक बुक्स पढ़ाएंगे उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैंने ये बुक बोल दिया तो आपने आज से फर्स्ट सेकंड ईयर वालों ने भी पढ़नी शुरू कर देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसीलिए मैं फर्स्ट आपका वीडियो सभी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बना रहा हूँ और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाऊंगा। तो हमारी फोर्थ थी ब्रॉड्समैन। ब्रॉड्समैन का भी आपको बहुत अच्छे से आपको बारीकी से समझने में मिलेगा। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि मुझे बुक्स के बारे में समझाइए, कैसे कैसे शुरू होती है, कैसे पढ़नी चाहिए, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है। तो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बुक आती है कॉलबे किचनर की एक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें हमारी छोटी छोटी टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे कनकेव कन्वेक्स रूल क्या होता है, हमारी शोल्डर मोबिलाइजेशन के लिए मोबिलाइजेशन क्या होती है, वो सारा कुछ उन्होंने बड़े डिटेल से समझाया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज उसका नाम है, कॉलबे किचनर की बुक है। तो ये सारी बुक्स जो फाइव बुक्स मैंने बताई हैं बेसिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, मतलब डेली रूटीन में पढ़नी चाहिए, इससे आपका एक फ्लो बना रहता है। और ये जो फिजिकल असेसमेंट है ये तो आप बार बार पढ़िए तभी जाके समझ आती है। तो ये हमारी पांच बुक्स हैं जो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एडवांस टेक्निक्स, जो एडवांस टेक्निक्स वाली बुक है वो काफ़ी वास्ट में होती हैं, तो जो मास्टर्स कर रहे हैं मास्टर्स इन ऑर्थो न्यूरो कार्डियो स्पोर्ट्स उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर्स वालों के लिए एडवांस टेक्निक्स की बुक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक एज होता है बाकी बेसिक जो बीपीटी हो रहे हैं उनसे एक एज होता है मास्टर्स वालों का, क्योंकि उनके पास ये स्पेशल टेक्निक्स वाली बुक्स होती हैं और वो स्पेशल टेक्निक्स हमारे पेशेंट्स पे काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है और उनको डेली रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि हमें डायग्नोसिस के लिए अलग बुक जिसमें असेसमेंट करना होता है, फिर ट्रीटमेंट के लिए अलग बुक रेफ़र करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा रिहैबिलिटेशन आता है जिसमें हमें कई बार क्या होता है नई नई चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल रिहैबिलिटेशन में हमारा आ जाता है कि हमारे कौन से हमें ब्रेसेस यूज़ करने चाहिए, उसमें ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स वो सारा, इस सब की नॉलेज एक फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को अगर रेफ़र भी करना है तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये केस कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। तो इसलिए चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये बुक्स आप आजकल सभी मुझे पता है कि गूगल पे फटाफट देख लेते हैं, पर जो बुक होती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जब रेफ़र करते हो और जैसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हो जो क्लियरेंस होती है वो बुक से या ई बुक्स आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो क्लियरेंस छोटे छोटे टॉपिक आप उसको सर्च तो करते रहते हैं, पर अगर इसमें से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गूगल पे तो नॉर्मल पेशेंट भी देख लेगा, पर आप जो है उससे रिलेट कर पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे डायग्नोज करना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो ये फाइव बुक्स इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सोच के ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे को कमेंट आ रहा था कि आप बनाइए, तो मैंने ये रिवील कर दिया है कौन कौन सी बुक्स आपके बुक शेल्फ में होनी चाहिए। तो पेशेंट्स का भी आप अच्छे से ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए सभी अपने फिजियोथेरेपी फ्रेंड्स के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो मैं साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बनाता जाऊँगा। अब मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पीपीटी और उसके बाद मास्टर्स के जो दो साल हैं उनके लिए ये मैं ज़रूर बनाऊँगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने किया हुआ है, फिर भी आप सबको और शेयर करके सब्सक्राइब करवा लीजिए। और साथ ही साथ हमारे से मुझसे एक कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे आप फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है, इसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।